नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 मोबाइल फोन के केस कवर के बारे में। स्पेशली का इस केस कवर जो है इस बार थोड़े से यूनिक लेके आया है सैमसंग, क्योंकि इस तरीके के आज तक नहीं देखे होंगे आपने फ्लिप मोबाइल के लिए स्पेशली केस कवर, क्योंकि उसकी डिस्प्ले मतलब इतना फोर्टेबल मोबाइल होता है कि आपको छोटा सा 2.5 x 2.5 का ही मोबाइल बचता है, ज्यादा बचता भी नहीं। तो गाइस उस कंडीशन में फ्लिप और गाइस ये रिबिन वाला क्या सिस्टम आया कि रिबिन, तो गाइस आप रिबिन को खींचते हैं तो मोबाइल ऑटोमेटिकली के ऊपर अपने आप सीधा हो जाता है। तो गाइस यही रिबिन का फीचर आया है। और बात करें इसके एक्सपेंसिव प्राइस को लेके, तो गाइस प्राइस अभी मतलब ये लीकेज ही आई है कि इस तरीके के आपको सैमसंग स्टोर पे जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं। बट गाइस जो इसमें मटेरियल या बात करूँ इसमें जो नई टेक्निक आई है, कम से कम मुझे लगता नहीं है कि ये 3 से 3.5 हज़ार रुपये से ब्लो केस कवर हो सकते हैं सैमसंग के ओरिजिनल। लेकिन गाइस जल्दी आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई थर्ड पार्टी कंपनी जरूर लेके आएगी इस तरीके को, आपको मुझे तब भी नहीं लगता कि 1200-1300 रुपए से कम के मिल जाएंगे। लेकिन गाइस बात करें फ्लिप कवर के बारे में, तो जैसे कि गाइस आप ये ग्रीन वाला देख रहे हैं, तो मतलब इस देख रहे होंगे ऊपर वाली स्क्रीन के साइड मतलब रियर कैमरे के साइड से अटैच हो पीछे, बिल्कुल आप नीचे खींचते हैं तो, और सेकंड देखते हैं तो इस तरीके से आप बंद भी कर सकते हैं, और थर्ड मतलब कलर ही चेंज है इसमें, ज्यादा कुछ फंक्शनैलिटी चेंज नहीं की है फ्रंट में आपको ऐसे देखने के। लेकिन गाइस तब आप इस तरीके के कवर लगाते हैं मोबाइल ऑलरेडी फोल्ड होने के बाद मोटा हो जाता है, और कवर के बाद आप 3 से 4 mm और मोटा और रिमिन कम से कम 1.5 mm मोटा, तो मतलब टोटल मिला के अच्छी खासी बेस आपको मोटापे में मिल जाती है। और ये गाइस मतलब हुक भी अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं, जैसे कि ये है एक और ये, मतलब इसमें उंगली फिट आ सकती है, आप डायरेक्टली खींच के ओपन कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है मोबाइल के बारे में। और जो रिमिन की वो रिबन है वो डायरेक्टली पीछे के कवर में साइड है कि मोबाइल में अटैचमेंट नहीं है उसका। और बात करें ब्राउन वाला भी दोस्तों अच्छा लग रहा है, बट ये विदाउट रिबन है। एंड बात करें सेकंड फोटो की, तो ब्लैक वाला वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने में लग रहा है। और दोस्तों इसका जो ब्लैक वाला वर्जन है थोड़ा सा और स्टाइलिश किया है, कार्बोनेट बॉडी के साथ आया। लेकिन गाइज इसकी बात करते हैं फिर प्राइस सेगमेंट, तो जैसे जैसे फंक्शनैलिटी बढ़ती जाती है प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो गाइस अभी रिसेंटली आप कोई प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के जरूर बनाइएगा, कि ऐसे ही लॉन्च हो जाते हैं, ये लॉन्च होने की भी जरूरत नहीं है, लोगों ने देख लिया वर्क स्टार्ट कर दिया होगा, विद इन 2 या 3 वीक्स के अंदर आपको थर्ड पार्टी के भी मिल जाएंगे सस्ते एयर केस सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप जेड 3 के। तो गाइस वेट थोड़ा सा करना है, लेकिन आप सस्ते में जरूर खरीद पाएंगे मुझे उम्मीद है। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।